हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टैटिस्टिक यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के ये सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द गिवन डाटा। तो यहां पे डाटा दिया है, एक्स और वाई का डाटा दिया है और ये एक्स और वाई के डाटा के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो हमें फाइंड आउट करना है और हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशंस भी क्रिएट करना है। देखो यहां लिखा है ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो चलो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से शो किया जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है R equals to R माने coefficient of correlation, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, that is summation of xy divided by under root of summation of x square into summation of y square। तो ये फॉर्मूला है coefficient of correlation का और इसमें x और y क्या है, तो देखिए हम यहां पे x और y लिख रहे हैं। x और y जो है वो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल x, ये कैपिटल x है और ये कैपिटल y है। तो x का फॉर्मूला है दैट इज x माइनस x बार और y का है दैट इज y माइनस y बार। तो यहां पे x बार और y बार जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y होता है। यहां पे जो भी x और y की वैल्यूज दिया है उनका आपको अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा और मीन करने के बाद जो भी आएगा वही x बार y बार हो जाएगा और x माइनस x बार करने से आपको कैपिटल x मिलेगा और यहां पे y माइनस y बार करने से आपको कैपिटल y मिलेगा। तो यहां पे वही आपको दिख रहा है समेशन ऑफ एक्स वाई बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r फाइंड आउट करने का। तो चलो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r, और ये फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले x बार y बार फाइंड आउट करेंगे। तो x बार y बार क्या है, x बार माने अरिथमेटिक मीन ऑफ x और y बार माने अरिथमेटिक मीन ऑफ y। तो चलो सबसे पहले हम x बार फाइंड आउट कर लेंगे। x बार फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना पड़ेगा। यहां पे देखिए समेशन ऑफ x, यहां पे x का पूरा डाटा हमें समेशन यहां पे सम करो और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब x का कितना यहां पे ऑब्जर्वेशन है, देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे 5 नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहां पे डिवाइड बाय 5 करेंगे और यहां पे जस्ट यहां पे सभी का एडिशन करो तो यहां पे देखिए कितना होगा, ये 6 4 10 20 20 और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 6। तो फाइनली हमें x बार मिल गया 6। उसी तरह से हम सबसे पहले y बार फाइंड आउट करेंगे। तो y बार फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हमें वही करना पड़ेगा, दैट इज समेशन ऑफ y डिवाइड बाय दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए यहां पे है 5 और यहां पे समेशन ऑफ y करो तो समेशन ऑफ y देखिए कितना होगा, ये होगा 20 और ये 25 तो ये हो जाएगा 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 8। तो फाइनली हमें x बार y बार यहां पे मिल गया और अब हम यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमें क्या यहां पे समेशन ऑफ xy बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इसका वैल्यू पुट अप करना है। तो हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के थ्रू हम ये सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे और देन हम इसमें वैल्यूज पुट अप करके r फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने यहां पे टेबल बना लिए हैं, टेबल के थ्रू हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे और यहां पे हम फिर रिप्लेस करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r मिल जाएगा। टेबल में हमने क्या क्या रखा है, देखिए फर्स्ट कॉलम में है x का डाटा, देन सेकंड कॉलम में y का डाटा आएगा, देन यहां पे कैपिटल x देन कैपिटल y। कैपिटल x माने x माइनस x बार, ये जो हमने फार्मूला लिखे यही हमने वहां लिखे है, देन कैपिटल y जो कि है y माइनस y बार जो हमने ये लिखे हैं, देन कैपिटल x स्क्वायर देन कैपिटल y स्क्वायर देन कैपिटल x इनटू y वो हमें करना है। तो चलो हम यहां पे x और y का डाटा लिखते हैं। तो x का डाटा हमें यहां पे x के कॉलम में लिखना है, तो ये हो गया 6 2 10 4 8, देखिए हमने x का डाटा लिख दिए और अब y का डाटा लिखेंगे, y है दैट इज 9 11, यहां पे 5 8 7, तो ये हमने y का डाटा लिख दिए और अब हमें कैपिटल x निकालना है जो कि है x माइनस x बार। x बार कितना है, देखिए x बार जो कि अरिथमेटिक मीन वो है x, तो x बार का वैल्यू 6 है तो यहां पे x बार के जगह हम यहां पे 6 लिख देंगे, x माइनस x बार माने यहां पे x माइनस 6 और यहां y माइनस y बार, y बार कितना है 8 है तो यहां पे हमने y माइनस y बार की जगह यहां पे 8 लिख देंगे तो ये हो गया y माइनस 8।
तो चलो देखते हैं यहां पे x माइनस सिक्स, तो यहां पे हमें x माइनस सिक्स करना है। तो देखिए x का वैल्यू 6 है, 6 माइनस सिक्स जीरो, 2 माइनस सिक्स माइनस फोर, 10 माइनस सिक्स फोर, 4 माइनस सिक्स माइनस टू और 8 माइनस सिक्स यहां पे 2। तो ये देखिए फाइनली ये हमने कैपिटल x यहां फाइंड आउट कर लिए और अब हमें कैपिटल y बिल्कुल उसी तरह से यहां पे जो y का डाटा है y माइनस y बार दैट इज 8, y माइनस 8 करना है। तो 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 यहां पे 3, 5 माइनस 8 ये माइनस 3, 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस 8 ये माइनस 1। तो फाइनली ये हमने x और y का डाटा लिख दिया है और अब हमें x स्क्वायर करना है। तो ये जो कैपिटल x है इसी का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 0, देन ये 16, ये 16, देन 4 और देन 4 और अब कैपिटल y का स्क्वायर करना है। तो ये जो y है इसी का स्क्वायर, तो ये 1, ये 9, देन 9, देन 0, देन 1। तो ये देखिए कैपिटल x स्क्वायर कैपिटल y स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिए और अब लास्ट कॉलम है कैपिटल x इनटू कैपिटल y। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये देखिए ये जो x और y है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे 0 इंटू 1 दैट इज 0, 4 इंटू 3 ये होगा माइनस ऑफ 12 क्योंकि माइनस है, 4 इंटू माइनस 3 तो ये अगेन माइनस ऑफ 12, देन यहाँ माइनस 2 इंटू 0 0, देन 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ हमने कैलकुलेशन कर ली और अब हमें समेशन करना है। तो देखिए समेशन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो हमें यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे करो तो ये होगा 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया दैट इज 40, तो ये हो गया 40। देन यहाँ पे एडिशन करेंगे 9 9 18, देन 19 20, तो ये हो गया 20 और यहाँ पे समेशन ये हो गया 24 और ये 26 माइनस में 26। तो ये फाइनली हमने टोटल कर लिए, समेशन कर लिए और अब हमने यहाँ पे जो कुछ भी फाइंड आउट किए हैं वो डाटा हमें यहाँ लिखना है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर मिल जाएगा। सो आर का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है, सो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई माने ये है माइनस 26, देन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 40 इंटू समेशन ऑफ दैट इज वाई स्क्वायर, तो इंटू 20। और अब हम ये डाटा कैलकुलेटर में लिखेंगे और देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आर का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है। तो कैसे हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 40 इंटू 20, तो ये आ चुका है माइनस 0.919। ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल चुका है। तो फाइनली हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर तो यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। इसका मतलब हमें रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बनानी है। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन दो होती है, एक होता है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और दूसरा होता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो चलो हम ये दोनों इक्वेशंस वन बाय वन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूलास क्या होता है, देखो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। देखिए वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला ऐसा है, देखिए वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये देखिए ये फार्मूला होता है और ये फार्मूले का यूज करके हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स का इक्वेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो भी डाटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं बस उसी डाटा का यूज करके हमें यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। और ये इक्वेशन लिखने का एक और तरीका है, फिलहाल हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा तरीका क्या है वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे वाई माइनस वाई बार, तो देखिए y माइनस वाई बार, ये जो y है ये स्मॉल y है, सो y माइनस वाई बार कितना है, तो x बार y बार हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे, x बार यहाँ पे हमने x बार फाइंड आउट किए थे 6 और y बार फाइंड आउट किए थे 8, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखे भी थे, तो वही x बार y बार का हमें यूज करना है। तो y बार 8 है तो हम यहाँ लिखेंगे y माइनस 8 इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस 26 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 40 और देन है x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना है, तो x बार 6 है, ये देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार यहाँ पे लिखे थे हमने x माइनस 6 दैट इज x बार 6 है, तो हमने x बार की जगह 6 लिख दिए। और ये समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई और ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये माइनस 26 बाय 40 कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे, माइनस 26 डिवाइड बाय 40 तो ये आंसर है 0.65 माइनस में। तो फिलहाल हम इसको लिखेंगे y माइनस 8
इक्वल्स टू ये माइनस 0.65 इंटू एक्स माइनस 6, ये देखिए ऐसा होगा। और अब यहाँ पे y ऑन x का इक्वेशन क्रिएट करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो माइनस 8 है उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 0.65 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा के ये जो 8 है इसको भी हम बाद में उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया y माइनस 8 इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट शो करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं भी शो किए तो भी चलेगा फिलहाल, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस 0.65 इंटू एक्स, और ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस हम यहां लिखेंगे, यहां पे 0.65 इंटू 6, तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 3.9, तो ये प्लस हो जाएगा 3.9। ओके, और ये माइनस 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अब हम लिखेंगे वाई इक्वल्स टू माइनस 0.65 एक्स, और यहां पे माइनस 8 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 11.9। सो फाइनली ये हो गया रिग्रेशन लाइन y ऑन x का इक्वेशन, और अब हम रिग्रेशन लाइन x ऑन y का इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। और अब हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन x ऑन y का इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो हमने लिख दिया है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y, तो ये जो फॉर्मूला है इसी में आपको हल्के फुल्के चेंजेस करना है। क्या करना है देखिए, ये x माइनस एक्स बार इधर लेके आओ, ये y माइनस वाई बार इधर लेके जाओ, और इसके डिनोमिनेटर में यहां पे वाई स्क्वायर लिख दो, तो वो आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन ऐसा बनेगा, तो जैसा हमने कहा था यहां पे हो गया x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू, ये हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, देन इक्वल्स देन इनटू यहां पे y माइनस वाई बार, और यहां पे हम सभी का वैल्यूज पुट अप करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये समेशन ऑफ एक्स वाई माने माइनस 26, और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है 20, और ये होगा y माइनस वाई बार कितना है, 8 है। तो फाइनली हमने पूरा डाटा यहां लिख दिया है, देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई टेबल में देखिए माइनस 26 है, और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 20 है, तो वो हमने यहां लिख दिए। अब ये माइनस 26 बाय 20 कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.3 माइनस में, तो ये माइनस 1.3 आ रहा है। और अब हम यहां लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1.3 और y माइनस 8। अब यहां पे भी आपको वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करना है जैसा आपने यहां मल्टीप्लीकेशन किए थे, 1.3 से यहां और यहां मल्टीप्लाई करो, देन यहां पे जो माइनस 6 है इसको आप उधर शिफ्ट करो, तो x ऑन y का इक्वेशन यहां पे तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पे इक्वेशन बना के बता रहे हैं, तो ये होगा लेफ्ट साइड में है x माइनस 6 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा माइनस 1.3 वाई प्लस, यहां पे 1.3 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 1.3 इंटू 8 कैलकुलेटर में, तो ये हो रहा है दैट इज 10.4, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 10.4। तो फाइनली अब हम ये जो माइनस 6 है इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1.3 वाई प्लस 16.4। तो फाइनली ये हमने रिग्रेशन लाइन x ऑन y का भी इक्वेशन यहां पे बना लिए, तो दोनों इक्वेशन हमने बना लिए, ये है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और ये है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो ये है, क्वेश्चन में कहा था ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, तो वो भी हमने बना लिए, ये y ऑन x का इक्वेशन और ये x ऑन y का इक्वेशन। और ये जो हमने फार्मूला यूज किए हैं, ये फार्मूले को दूसरे तरह से भी लिखते हैं, हमने कहा था कि ये फार्मूला दूसरे तरह से लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं देखिए, ये फार्मूले का एक और ऑप्शन है, यहां पे सेम रहेगा y माइनस वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, ये जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, आप इसके जगह दूसरा टर्म भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे भी हमने यहां पे लिखे हैं, ये देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, ये है y ऑन x और ये है x ऑन y। तो ये फार्मूला अगर आपको दूसरे तरह से लिखना है, तो देखिए इसी का दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ये फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं, देखिए y माइनस वाई बार इक्वल्स टू r सिग्मा y बाय सिग्मा x इंटू एक्स माइनस एक्स बार, देखिए ये एक ऑप्शन है, ये एक दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन बोलो या दूसरा फार्मूला बोलो, तो ये फार्मूले से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये भी एक फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, दोनों फार्मूले से एक ही मिलता है, क्या चेंजेस है, सिर्फ यहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x के जगह ये देखिए ये आपको लिखना है, इसको भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x कहते हैं, r सिग्मा y बाय सिग्मा x, तो इसके जगह आप ये फार्मूला लिखो या इसके जगह ये फार्मूला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। यहां पे भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये जो समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है, इसके जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स माइनस एक्स बार
इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले में देखिए क्या चेंजेस है। फॉर्मूले में चेंजेस सिर्फ कहां पे देखिए, सिर्फ यहां पे चेंजेस है, ये देखिए सिर्फ यहां पे चेंजेस है। इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों के थ्रू जो है आंसर एक ही आता है। तो आगे चल के या तो आप ये फॉर्मूले का यूज करो या तो इसका यूज करो, तो चॉइस आपकी है। और ये आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स जो है इसको दूसरे एक वेरिएबल से डिनोट किया जाता है, वो है दैट इज ए वन। इसको कहते हैं ए वन दैट इज आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखिए ए वन माने आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, यहां पे ऐसा फॉर्मूला बनता है। और यहां पे कहते हैं बी वन, इसको कहते हैं बी वन आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, तो ये यहां पे ऐसा बनता है। तो ये फॉर्मूलीज है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलीज है। तो यहां पे ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं माइनस 26 बाय 40, इट मीन्स ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं माइनस 0.65, यही है ए वन। और यहां पे ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं माइनस 1.3, यही है बी वन। ठीक है, तो ये जो ए वन है, ये जो बी वन है, ठीक है ना, ये जो a1 b1 हमने बताया है, इसी को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x या फिर x ऑन y। तो फाइनली बताने का ये अर्थ है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ फॉर्मूलेज है, कोई भी फॉर्मूले का यूज करो आंसर एक ही आता है। आप या तो ये इक्वेशन का यूज करो, आप या तो ये इक्वेशन का यूज करो, जो इक्वेशन है फाइनल वो एक ही बनेगा। तो फाइनली ये था आज का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन का फर्स्ट प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।